ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा और देशवासियों का जीवन सुरक्षा के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित। आप सभी के सहयोग से नया भारत सक्षम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश भर से जो साथी जुड़े हैं उनको मैं फिर बता दूं, यहां पर श्रीनगर में तापमान काफी नीचे है, हो सकता है रात होते होते माइनस हो जाएगा। इसके बावजूद भारी संख्या में यहां मेरे युवा साथी अनेक कश्मीरी भाई बहन मौजूद है। ये कश्मीर की स्पिरिट को दिखाता है, कश्मीरियों की भावना को दिखाता है। बछी वानी तो ही सारिनिय खोस आवय बनाम, यस तहरी गटकारस मंज छुस ब मोहब्बत का अलाव जालनी अमृत, तही नीच खोशाली वापस छू अबस बेई, अकीलटी अव सौगात हे थामरुत, नव मुतखब कॉरपोरेटन त पंचन त सरपंचन मुखारब। हीरो वही है जो सपने पूरा करने के लिए जीता है, वो सबसे बड़ा कायर है जो दूसरे के सपनों को मारता है। आज पूरा देश निर्दोष निहत्थे कश्मीरी बेटे बेटियों की हत्या होते देखकर आक्रोश में है, सिर्फ इसलिए कि वो नौजवान शांति चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उन्हें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। यही यहां के आतंकवाद की सच्चाई है। मैं आज आपको, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पूरे देश को यह विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा, हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि अब भारत की नई नीति और नई रीति क्या होती है। हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास, यहाँ के लोगों का विकास, यह हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना देखते थे, उन्होंने हमें विरासत में जो काम दिया है, उसमें हम एक पत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। उस भावना को हम साकार करके दिखाएंगे और इसके लिए
चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर वैली हो, चाहे जम्मू हो, एक एक नागरिक को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के, हम वही खुशहाल कश्मीर, शांत कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को न्योता देने वाला कश्मीर, हरी भरी इस वादियों में खुशहाली के दिन वाला कश्मीर, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कदम हम उठाएंगे। हमारा हर यहाँ का परिवार, हमारा यहाँ का हर बच्चा, उनका उज्जवल भविष्य, यही भारत के उज्जवल भविष्य का जीता जागता संबंध है। उस संबंधों को बरकरार रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बरसक प्रयास करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आपने युवाओं से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। सारी दुनिया में हिंदुस्तान को वो मकाम, वो ओहदा, वो रुतबा दिलाया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन अब आप ही की लीडरशिप में इस मुल्क को आसमान